मॉर्निंग स्टूडेंट्स लस्ट डू स्टेंजा नंबर थ्री ऑफ पॉइंट वी स्टार्ट टू यस्टर्डे रोड साइड स्टैंड रिटर्न बाय रोबर्ट फ्रोस्ट देखिए इन थर्ड थर्डा में वो क्या अपील कर रहा है और क्रुक्ड क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्स और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटिफुल माउंटेन सेम यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो देखो पोइट जो है यहाँ पर बताने की कोशिश में है फर्स्ट लाइन के अंदर उन लोगों को जो सिटी पीपल है यहाँ पर एक्चुअली सिटी पीपल को या जो रिच पीपल है उनको क्रिटिसाइज उनके बारे में पोएम के अंदर बताया गया है कि वो रोड साइड स्टैंड पर जो लोग रहते हैं या जो थोड़े से लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ठीक है एक्चुअली जो हमने फर्स्ट सेकेंड सेंजा के अंदर हमने स्टडी किया था उसके अंदर जो हमने रीड किया उसके अंदर पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सिटी पीपल है वो या तो इग्नोर करके भाग रहे हैं जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर ठीक है सपोज अगर वो रुक भी रहे हैं या बाहर निकल के देखते भी हैं तो भी वो क्रिटिसिज्म के लिए ही देखते हैं उनको या रोकते हैं कि आप यहाँ पर एन या एस जो है बे आ, गलत बना हुआ है रॉन्ग तरीके से बना हुआ है वो जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़राब कर रहा है स्पॉयल कर रहा है उसकी ब्यूटी को अब यहाँ पर पोइट जो है इन लाइंस के अंदर बता रहा है कि किस तरीके से पोइट वो जो सिटी पीपल है या अपना रिच पीपल जो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं वो जो वेजिटेबल या फ्रूट्स जो लगा रखे हैं उसको भी क्रिटिसाइज कर रहा है वो बोल रहा है ना क्रूकड क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वॉट कि क्रक होता मुड़ी हुई गर्दन ठीक है गोल्डन कलर का स्क्वैश विथ सिल्वर वॉट स्क्वैश मतलब कि कद्दू टाइप कुछ और सिल्वर वॉट मतलब वाइट कलर के उस पर धब्बे हैं और उनकी गर्दन भी स्क्वैश है मुड़ी हुई है मींस कि वो फ्रेश नहीं है वो अच्छे नहीं है वे अपियरिंग नहीं अपीलिंग नहीं है ठीक है और ब्यूटी और कहता है कि जो ब्यूटी है वो क्या है माउंटेन के सीनरीज के अंदर या सीन्स के अंदर ही लाई करती है एग्जिस्ट करती है रेस्ट करती है और ये नीचे वाली टू लाइन्स के अंदर पॉइंट जो है अब बात कर रहा है किसकी तरफ से ये उन लोगों की तरफ से जो रोड साइड पे स्टैंड लगा कर बैठे हैं कि वो उनको फिर गुस्सा है क्योंकि वो लोग आ रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं उनको या रुकते हैं तो क्रिटिसाइज करने तो के लिए तो रुकते तो हैं ठीक है और जा रहे हैं जा रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं रुकते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी करते हैं उनकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी करते हैं ठीक है जो भी वो सेल कर रहे हैं उनको कहता है कि यू हैव द मनी अब ये रोड साइड स्टैंड की तरफ से जो लोग हैं कहता है कि उनको गुस्सा आया हुआ है उनके इग्नोरेंस पर क्रिटिसिज्म पर कि अगर आपके पास मनी है और आपको पता है कि उस मनी का क्या करते हैं बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग कहता है कि आप जो है आपके पास पैसे है तो उसको खर्च कीजिए ना आप उसको अपने पॉकेट में रख के वापस क्यों जा रहे हो मनी किस लिए होती है मनी इज ऑलवेज टू स्पेंड कहते हैं उसे स्पेंड कीजिए हमसे कुछ परचेज कीजिए ठीक है अगर आपके पास पैसे हैं तो चले क्यों जा रहे हो पैसा खर्च कीजिए आप हमसे कुछ जो है परचेज कीजिए ताकि हम भी अर्न कर सकें और हमारा भी जो है काम चल सके ठीक है स्टूडेंट्स दीज आर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आल्सो यस